अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको जुल्म की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसमें दो बच्चों के बाप को राहगीर समझकर गोली जो है वो उसकी जान ले लेती है। ये वाक्या होता कैसे है? शहर लाहौर में कत्ल, डकैती मजामत पर तो बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी किया जा रहा है, लेकिन अब लाहौर की अमन अमान की सूरत हाल ये है कि राह चलते लोगों को किसी और की लड़ाई उसके गले पड़ जाती है। टाउनशिप के इलाके में रहने वाले एक ऐसे ही नौजवान को एक ऐसी गोली लगती है जिसमें ना उसका कोई कसूर होता है ना उसका कोई ताल्लुक होता है। उस घर में कोहराम मचता है, क़यामत सुग़रा बरपा होती है उस घर में जब उसके मरने की इतला उसके घर वालों को मिलती है। ये वाक़या कैसे था और क्यों हुआ, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उसी घर से जहां पर ये दुख भरी दास्तान का आगाज़ हुआ है। कैसे कत्ल की वारदात होती है, वो यूनस मकतूल कहां जा रहा था, किसको मिलने जा रहा था और कहां से आ रहा था, ये सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त तमाम वो लोग, उसके वालिद, उसके भाई और करीबी रिश्तेदार तमाम हमारे साथ मौजूद हैं। ये वाक़े के बारे में इनसे तफसील जानते हैं। भाईजान, आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा, यूनस तो बड़ा सादा सा और अपने काम से काम रखने वाला था, फिर किसी के झगड़े में उसको गोली लगी, हुआ क्या, कहाँ से आ रहा था और किधर जा रहा था? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ऐसा है कि मेरा क्लासमेट है, हम 1998 से एक साथ स्कूल में पढ़े, उसके बाद कारोबार में हम चले गए, वो फीस सेंटर में मोबाइल एक्सेसरीज़ का काम करता है। ठीक है। और हमारा ये प्लान होता था कि पूरा वीकेंड, पूरा जो वर्किंग डेज हैं उसमें हमने काम करना, वीकेंड नाइट पे हम खाना खाने 4-5-6 दोस्त चले जाते थे। ठीक है। तो हस्बैंड मामूल, जो अभी लेबर डे की छुट्टी आ रही थी, तो हमारा ये प्लान था कि हम उससे पहले जो रात है मैं खाना खा के तो अपने घरों में चले जाएंगे, वीकेंड जो है फिर ईजीली हम घर में स्पेंड करेंगे। तो कॉल पे जो हमारा शेड्यूल तय हुआ है वो कहता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी शॉप बंद करके आ जाऊँगा, मैं तुम्हारे घर की तरफ आ जाता हूँ सीधा। मॉडल टाउन लिंक रोड की तरफ से वो आ रहा था और सर्विस रोड पे दोनों साइडों पे, वाली साइड पे और ऑपोजिट पेकर है, ठीक है, दोनों अतराफ से फायरिंग हो रही थी एक दूसरे की तरफ, दो ग्रुप्स में। ये तो बड़ा मेन रोड है और यहाँ पे फायरिंग, कोई जंगल के साथ साथ आप ये देखेंगे प्रोटोकॉल रोड है, यहाँ से वीआईपी प्रोटोकॉल जाता है। ठीक है, ठीक है। और एक दिन पहले भी कहीं इस पे फायरिंग होती रही है और बेतहाशा लोग जो हैं वो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ। ठीक है। क्योंकि लोग सिक्योर फील करते हैं तो वहाँ पे आते हैं, वहाँ का अमन अमान जो है बिगड़ा हुआ था, इसे अंदाजा नहीं था। ठीक है। और ये इस टाइप का बंदा था कि कहीं अगर दूर भी लड़ाई हो रही है तो इसने उस जगह से रास्ता ही बदल लेना। ठीक है। लड़ाई झगड़े वाला तो मामला थे ही नहीं उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि एक दिन पहले भी वहाँ पे फायरिंग हो रही थी, कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे बताया कि 2-3 दिन से ये मामला चल रहा था, तो पुलिस क्या सो रही थी, पुलिस को पता नहीं था कि इस इलाके में हवाई फायरिंग हो रही है और गोली किसी को भी लग सकती है? दरअसल ऐसे है कि हमारा निज़ाम जो है वो जब तक किसी का कोई मेन इंसिडेंट किसी के साथ पेश नहीं आता तब तक कानून हरकत में नहीं आता। किसी की जान जाए तब कानून हरकत में, किसी का बहुत ज़्यादा कोई नुकसान होता है जानी इस तरह का, तो फिर वो उनको, पुलिस को कुछ लगता है कि ये कोई इस पर कोई वेरीफाई कोई काम करना चाहिए, इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, उसके अलावा तो कोई मामला नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब यूनस वहाँ पे पहुँचता है उसको एक ही गोली लगती है और कहाँ पे लगती है? सर 9 बजे का टाइम था, मैंने 9 बजे तक उसका वेट किया, 9:09 पे मैंने उसे कॉल की कि यार कहाँ पे है, अभी तक आया नहीं। आगे से किसी ने मेरी कॉल उठाई, उसने कहा जी आप कौन है, मैंने कहा जी ये यूनस का फ़ोन है, आपके पास क्या कर रहा है, उसने कहा आप इसके क्या लगते हैं, मैंने उसको आगे से तशवीश के साथ कहा कि भाई मैं इसका भाई हूँ, आप कौन हो, यूनस से बात करें। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, इसको फायर लग गया है अपोजिट साइड पे। ठीक है। और इसको सीने से छू के गोली गुजर गई है, ये बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पे फ़ौरन आ जाएं, मेरा घर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। खैर मैंने बाइक निकाली और मैं फ़ौरन वहाँ पे आ गया, जब मैं गया कोई 60-70 लोग वहाँ पे मौजूद थे और क्लिप बना रहे थे मोबाइल से,
और मेरे जाने से कोई तकरीबन 20-25 मिनट पहले का ये काम हो चुका था, वाकया हो चुका था, क्योंकि उसका फ़ोन लॉक था इसलिए वो किसी को कॉल नहीं कर सके। ठीक है। तो मैं जब गया हूँ तो मैंने उसको देखा तो फुटपाथ पे उसमें थोड़े से हवा साख्ता था वो। अच्छा, उसकी हालत, वो जिंदा था? सर जिंदा था लेकिन बोलने के काबिल नहीं था। तो उस वक्त क्यों रेस्क्यू की टीमें नहीं पहुंची, क्यों मदद नहीं? 112 की सिर्फ बाइक्स थी, उन्होंने एक सरसरी सी पट्टी उसको की हुई थी और मैंने जब देखा तो उसने मुझे फेस से थोड़ा सा आँखों से इशारा किया कि मेरे करीब आओ, बोला नहीं उससे गया। मैं उसके करीब गया, मैंने देखा उसके जिस्म पर कोई खून नहीं बह रहा था तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गया कि शायद कोई सीरियस मामला, इंसिडेंट नहीं है। मैंने फ़ौरन बाहर सड़क पे जाके मैंने जो सिर्फ एक गाड़ी में एक ही बंदा है, इस तरह की चार गाड़ियां रोकी और उनकी मिन्नत समाजत की कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते हमें, मुझे और मेरे दोस्त को हॉस्पिटल ले जाएं। मैं रो भी रहा था और आहो बकार भी कर रहा था कि खुदा के लिए हमें ले जाएं, मेरे से बेशक पैसे ले लें, हमें हॉस्पिटल ले जाएं, मेरे दोस्त को गली लगी है, हमें हॉस्पिटल छोड़ दें। चार गाड़ियों वालों ने मुझे नहीं, किसी की इंसानियत नहीं जागी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया सर। उसके बाद मैंने पुलिस वालों के पाँव घुटनों को हाथ लगाया, मैंने कहा अल्लाह और रसूल के वास्ते हम, मुझे और मेरे दोस्त को हॉस्पिटल आप पहुँचा दें। फिर उन्होंने उसको उठाया और उसके जो फर्श पे था गाड़ी के उस पर लिटा के और मैं उसके साथ खड़ा हो गया और हम चले गए। खैर पुलिस वालों ने हमें हॉस्पिटल पहुँचाया लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले तक उसकी काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि 25-30 मिनट वहाँ पर ही फुटपाथ पर ज़ाया हो चुके थे। और पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने कोशिश नहीं की? 8-10 लोग पुलिस के खड़े थे, पुलिस ने ना तो उसको रेस्क्यू किया ना किसी ही पब्लिक जो पर्सन है किसी ने रेस्क्यू किया, मेरी मिन्नत समाजत के ऊपर भी किसी ने रेस्क्यू नहीं किया। हम कोई चोर या डाकू तो नहीं थे, अगर हम चोर होते, डाकू होते, इंजर्ड होते फिर तो मैं मानता हूँ कि लोगों के दिलों में रहम नहीं आया। मैं शीशे खड़का के मिन्नतें कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, पुलिस भी खड़ी है, तब भी किसी को तरस नहीं आया। इतना ज़्यादा सख्त रवैया लोगों का, ये इंसानियत है? 70-80 लोग फोटेज बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, क्लिप बना रहे हैं, तमाशा थोड़ी था, किसी की जान निकल रही थी, किसी की जान पे बनी हुई थी। खैर उसको जैसे तैसे डाल के हम डाले में ले गए और जिना हॉस्पिटल में जब हम एंटर हुए हैं उस वक़्त वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, अंदर ले के गए, डॉक्टरों ने पल्स देखी उसकी और तस्दीक की कि ये अब नहीं रहा। मैंने उनको कहा कि आप इसको कोई इलेक्ट्रिक शॉक जैसे भी आपका जो ट्रीटमेंट है एक बार करके तो देखें, ये अभी तो ठीक था। आंखें खुली हुई थी, बस यकीन नहीं आया और आज भी यकीन नहीं आ रहा कि वो हमें नहीं। फिर उसके बाद FIR कैसे होती है सर? उसके बाद कोई तकरीबन 1.5 घंटा हमें डेड बॉडी वहाँ पर रखनी पड़ी, पुलिस के आला अफसरान SHO साहब नहीं आए, ASI साहब भी नहीं आए। उसके बाद SP साहब, DSP साहब मौके पे आए, फिर वो उनके SHO साहब आए 1 से 1.5 घंटे के बाद हॉस्पिटल में। फिर मैंने उनकी भी मिन्नत समाजत की कि हमें इंसाफ चाहिए। कोई मुलजिम पकड़े गए? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। नहीं पकड़े गए और वहाँ के अनामी गनामी लोग हैं, ये नहीं है कि कोई रात चलते कोई डाकू थे जो फायरिंग कर रहे थे तो लग गई, वहाँ के रहायशी भी हैं। FIR तो नामजद हुई है, फिर पुलिस को पकड़ने में क्या दुश्वारी है? सर नहीं पता, पोस्टमार्टम भी हो गया, उसकी रिपोर्ट भी लग गई, अभी तक हमारे पास रिपोर्ट भी नहीं आई। और सबसे दुख की बात यह है कि हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने वाले, वो भी बहुत सपोर्ट करता था, उसकी पूरी फैमिली, अता तारड़ साहब का हल्का है, अता तारड़ साहब का कोई वो MNA आपके? हाँ जी, तो वो आए होंगे यकीनन आपके साथ। कोई गवर्नमेंट का बंदा कोई हमारे पास नहीं आया, आपका पुलिस कोई अफसर नहीं, MPA MNA आपके पास? सर कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया, फातिहा पढ़ने भी नहीं आया सर। अच्छा, और जो यूनस था वो सपोर्टर था मुस्लिम लीग नून का, उसकी फैमिली भी, तो फिर भी किसी को इतला नहीं दी या किसी को पता ना चल सका हो, ऐसा ना हो? सर सबको पता, मेरा नहीं ख्याल कि टाउनशिप में किसी को ना पता हो। आप अगर कल जनाजा देखते तो आपका अंदाज़ा हो जाता कि वो बंदा जो बड़ी बड़ी दूर से आके लोगों ने जनाजा पढ़ा, लोग यही कह रहे थे कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। हमारी सिर्फ अपील है CM पंजाब से, मरियम नवाज साहब, आप अगर कोई अपील करना चाहते हैं तो उधर देखिए, बताएं आप क्या अपील करना चाहते हैं। मैं मरियम नवाज साहब CM पंजाब जो हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ
कि मेरे दोस्त को इंसाफ दिलाया जाए। आप एक बार अपना कीमती वक्त निकाल के उसके वालदैन को आके खुद मिलें, आप पुलिस अफसरान से खुद बात करें, आप खुद केस का स्टेटस जानें, आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे हम पुरसाने हाल हैं। हमारा कोई नहीं है, ऊपर अल्लाह की ज़ात है और नीचे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मदद की जाएगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते। बस मकतूल के दरीना दोस्त जो बचपन के साथी हैं, उसकी बात ने कई सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए, पुलिस की कारकर्दगी पर, रेस्क्यू की कारकर्दगी पर, और ख़ासकर हुक्मरान जमात की जो नुमाइंदा है इस इलाके के, जो MPA हैं, MNA हैं, और वाबस्तगी को भी जो है वो चैलेंज करती हैं बहुत सारी इनकी बातें। अब उनके वालिद, मकतूल के वालिद से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा दुख इनको मिला और जितना बड़ा सदमा इनको मिला, और किसी जवान साला और जवान आदमी की लाश को लहद में उतारना किसी बाप के लिए कितना मुश्किल होता है, ये एक बाप ही जानता है। बड़ा अफसोस होया जी कि वाकया होया, कोई इंसाफ नहीं नज़र आ रहा मिलता, कोई इंसाफ नहीं नज़र आया। वाकया आ रहे थे दुकान बंद करके, लिंक रोड से फायरिंग हो रही थी, बंदे इन्होंने कहा असी फड़ लिया ने ठाने के हैं, इन्हें कहा असी बंदे फड़े ने, उनकी वालदा नू लाए हैं, भरजाई नू लाए हैं, झूठ बोलिया। एक बंदा मुकते जोड़ा फड़े उन्होंने वो भी नहीं दिखाया। उस तो बाद सू 3 बजे तक दलील किया FIR कटा लिया, उस तो बाद दोबारा किसी ने कोई रबता नहीं छड़ना, किसी ने नहीं पूछा कोई कुछ कर रहे हैं जी ना, उन्होंने कितों पूछना। वो तो मोटिया पार्टिया के नाल है, माड़े बंद कौन पूछता है। ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਬਰੀਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਰੇ ਆਮ 12 ਵਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੀ ਮਸਲਾ? ਮੋਟੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀਗੋ ਡਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਡਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਹੋਂਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪੁਲਿਸ, ਕੀ ਮੋਟੇ ਜਿਹਦੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ? 2 ਬੇਟੇ 1 ਬੇਟੀ ਹੈ 2 ਬੇਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸੁਬਾ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਘਰ ਪਾਪਾ ਦੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾਓ ਕਬਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਮੇਂ ਗਏ ਹੋ, ਉਸਕੋ ਪਤਾ ਹੋਤਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੋ ਪਿੱਛੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਬੈਠਾ ਮਾੜੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਆ, ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕੁਛ। ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਇਨਕੇ ਹੈ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਕੇ ਪਾਸ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। उनकी फैमिली तो लिंक रोड से ही गुजरती हैं, हाँ जी। उनका कोई होता तो देखते हैं अभी तक क्या होता, पूरे इलाके को इन्होंने आग लगवा देनी थी। ये गरीब का ना क्या पूछा रहे और क्या इनको। ये वो बाप का दुख था जी, और अब मकतूल के ताया हैं इनसे, और सुसर भी हैं, इनसे जानते हैं। आप बताएं जी, आपके नवासे यतीम हो गए, बहुत मुसीबत में भाई, लेकिन हमें हम इंसाफ मिलना चाहिए बस। इंसाफ कौन देगा? मीडिया देगी और कौन देगा? हमारे वोट भी उनके हैं, नून लीग के बंदे हैं, वोट भी इकट्ठे करके दिए, सारा कुछ किया। मरियम ऐसे फिरती है गली गली में, वैसे कोई नहीं मिला, अपने फोटो शूट के लिए तो नहीं बनी, किसी गरीब के चलते हाथ लगे तो पता लगेगा। बात करवाते हैं जो मकतूल के भाई हैं दोनों, वो भी हमारे साथ हैं, लेकिन पूरा इलाका जो है वो इस दुख में, इस तकलीफ में मुबतला है। अब भाई आप अपना नाम बताइएगा, और आप बताएं कि आप यूनुस के बड़े हैं या छोटे भाई हैं। मेरा नाम अली है, मैं यूनुस से छोटा हूँ, छोटे हैं। सबसे बड़ा मेरा ये भाई है, फिर यूनुस था, फिर मैं हूँ, एक भाई सबसे छोटा, चार भाई। यूनुस की याद से रो रहे हैं या वालिद को रोता हुआ देख के रो रहे हैं? दोनों। यूनुस की याद में इसलिए रो रहा हूँ कि उसको जितना अंधेरे से डर लगता था, मतलब
होता है फैमिली अपने माँ बाप के घर वाइफ चली जाती है, तो मुझे थोड़े दिन पहले बता रहा था कि वाइफ मेरी उधर रहने गई है, तो उसका सबसे ऊपर वाला पोर्शन है छत पर, तो वो डरता था लोग में वहाँ के सो रहा था, तो उस रात हम उसको सर्द खाने में किले में छोड़ के गए, उस रात नहीं है। आपके वालिद बता रहे थे कि उसके बच्चे पूछते हैं कि कहाँ पे है उनका बाप, क्या कहते हैं आप, क्या जवाब देते हैं? उसकी बाइक हम इस डर से घर नहीं लेकर आए, उसके बच्चा पूछ रहा है मेरे बाबा की बाइक कहाँ है, तो मैं कहा बच्चे रोएंगे देख के, तो हम बाइक किसी के घर रखवा के आएंगे कुछ दिन के बाद लेकर आएंगे बच्चों की। इतनी 8 बजे उसकी बेटी बता रही है बड़ी 8 साल की, 8 बजे मुझे पापा की कॉल आई है कि मैं आ रहा हूँ, सुबह 1 मई थी छुट्टी थी गालबन हफीज सेंटर की ऑफ थी, तो हम आने चलते हैं 8 बजे तैयार रेडी हो। 8 बजे जो बेटी से बात कर रहा है कि रेडी हो, और 9:30 बजे उसकी बेटी को पता चले कि उसका बाप की डेथ हो गई, बच्चों ने जा रहा है। आप बताइएगा जी, आप तो आपका तो छोटा भाई था, कैसा था और ये क्या हुआ? सर जो हमारा भाई था, हमारा भाई ने हमारे सर के ऊपर सर पर वो हमारी छत थी, हमारा भाई चला गया हमारे सर के ऊपर से छत चली, सर हम क्या बताएं उसके बारे में, किसी और से पूछ ले, सब सारी सारी रात हमें नींद नहीं आती कि हम 4 भाई थे, तीन भाई का क्या जरूरत था जो 20 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा, 25 मिनट कोई खुदा को भी करके उसको उठा के ले जाता, किसी का कुछ ना जाता, रो के फरियाद कर रहा हमारा भाई, हम हमसे पूछे हमारा क्या रहा, हमारे पर क्या गुजर रही है, इतना नहीं किया उन पर क्या गुजरी उनको क्या पता। ये छोटा भाई है जी, आप आपसे बड़ा था यूनुस, आप सबसे छोटे हैं। लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी जब काम पे गया, मैं और भाई दोनों इकट्ठे एक ही जगह पे काम करते हैं। अच्छा, आप उसी जगह पे काम करते हैं? जब जाने लगा था मुझे मिल के गया कि मैं दुकान से जब निकला, वो थोड़ा जल्दी आता था मैं लेट आता था, उस दिन जल्दी निकला, वैसे ही वो रूटीन में जल्दी चला जाता था घर। अच्छा, मैं लेट आता था, मुझे मिल के गया, मुझे कह रहा मैं जा रहा हूँ, तो वो 8 बज के आप उस वक्त दुकान पे थे जब? आप दुकान पे था, मेरी और भाई की दुकान साथ साथ थी। ठीक है, हम इकट्ठे ही काम करते हैं एक ही जगह पे, तो मुझे बता के गया है कि मैं जा रहा हूँ, तो 15 से 20 मिनट बाद मुझे कॉल आ गई है कि वो भाई को गोली लगी, मैंने जितनी देर में मैंने बाइक बाहर निकालने की कोशिश की मुझे दोबारा कॉल आ गई कि उसकी डेथ हो गई। तो फिर पुलिस भी मदद नहीं कर रही, कोई आपको लग नहीं रहा कि इंसाफ हो? मैं सुबह गया हूँ पुलिस स्टेशन, मुझे वो जो लेडीज इन्होंने कल पकड़ी हुई थी वो आज सुबह थाने में मुझे नज़र ही नहीं आई, मुझे बल्कि उन्होंने जो तफ्तीशी था उसने मुझे कहा जी वो हम यहाँ पे लेडीज़ को साइड पे हमने कहीं पे अपनी जगह कहीं पे रखा हुआ उनको, हमारे यहाँ पे नहीं है, हम तफ्तीश कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे 100 मसले हो जाते हैं, हम ले गए। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा, मैंने उनके वालिद को भी रात को पकड़ के लाए हैं, कोई नहीं है। ठीक है, ये था जी अदरीस के अहले खाना का वो दुख वो गम, जो अजीज़ो कारब भी थे, बहन भाई भी थे, तमाम वो लोग जो बहुत ज़्यादा दुख में मुब्तला थे। इन तमाम की बातों ने बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो खड़े किए हैं, ख़ासकर हुक्मरान जमात जो सपोर्टर भी थे, वोटर भी था यूनस, कोई किसी ने उसकी जो है घर में आने की ज़हमत भी नहीं की, फिर पुलिस की जानिब से जो है वो अभी तक ना तो मुलज़मान पकड़े गए हैं ना ही इनको कोई तसल्ली बख्श पुलिस की जानिब से जवाब दिया गया है, लेकिन ये ज़रूर बात साबित हुई है कि लाहौर शहर का अमन अमान बहुत हद तक ख़राब हो चुका है, कि अब राह चलते लोगों की चलाई जाने वाली गोलियों की जद में आ रहे हैं और ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। वैसे तो पूरे शहर लाहौर में जो क्राइम रेट है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है, और ख़ासकर डकैती, रॉबरी,
स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ ये भी चीज़ एक देखने को मिल रही है कि डकैती मजामत पर लोगों को अब ज़ख्मी भी किया जाता है। अगर शहर लाहौर में मिसाल के तौर पे 10 वारदातें होती हैं तो उसमें से 2 या 3 में डकैती मजामत पर लोग ज़ख्मी होते हैं। अब आते हैं इस केस की तरफ कि जो मॉडल टाउन लिंक रोड पे जो इंतहाई हसास इलाका है, जहाँ पे बहुत करीब ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रहायश भी है, वहाँ पर जो इतलात हमें मौसूल हो रही हैं कि एक गोली जो 2 ग्रुपों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा होता है और उस झगड़े के नतीजे में दोनों ग्रुप एक दूसरे पर खुले आम सड़क पे खुले आसमान के नीचे जो है वो फायरिंग का तबादला करते हैं। और इसी इस्नाम में वहाँ पे एक गुज़रने वाला नौजवान जिसका नाम यूनस है, वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। जब वो वहाँ से गुज़रता है तो वो गोली, एक ही गोली उसको लगती है जो दिल को डैमेज करती है और एक तरफ से लग के दूसरी तरफ से निकल जाती है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है, और मौके पर ही दम तोड़ देता है। लेकिन ऐसे वाक़यात में होता ये है कि कोई ना कोई ज़ख्मी शख्स को 112 पर कॉल करता है और फौरी तौर पर रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंचती हैं और उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में बहुत मुख्तलिफ किस्म की बातें और बहुत सारी नेग्लिजेंसी जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की नज़र आती है। जब वहाँ पर ये सारा मामला होता है तो उसका करीबी दोस्त उसके पास वहाँ पर पहुँचता है और वो आखिरी ज़िंदगी की सांसें जो है वो ले रहा होता है। 112 पर कॉल की जाती है लेकिन इतना वक्त नहीं होता कि वो 112 एम्बुलेंस का इंतज़ार करे और उसके इंतज़ार के बाद उसको वो एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल करे। लोगों की मिन्नत समाजत करता है, लोगों के तरले करता है, हाथ जोड़ता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि काश कोई उसके भाई को अपनी प्राइवेट गाड़ी में डाल के अस्पताल मुंतकिल कर दे और शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। बहरहाल जब वो उसको अस्पताल में मुंतकिल करने के लिए किसी गाड़ी प्राइवेट गाड़ी को और उस प्राइवेट गाड़ी के मालिक को रजामंद नहीं कर पाता तो बिल आखिर वो वहाँ पे मौजूद जो जाए कुआ पर 15 की कॉल जाने पर पुलिस वाले पहुँचते हैं तो उनकी गाड़ी में उसकी गाड़ी के जो डाला होता है जिसको पुलिस का डाला कहा जाता है उसके फर्श में डालकर अस्पताल लेकर जाता है। लेकिन वो जानवर नहीं होता, उसकी जान नहीं बच पाती है, तखीर हो चुकी होती है। फिर उसके बाद उसके घर वालों को इतला मिलती है और यकीनन घर का वो कफील था, बच्चों का बाप था, माँ का बेटा था और भाइयों का भी भाई था, वो इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन इस मामले की थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताते हैं। जो वहाँ पर मौजूद लोग थे, वहाँ पर मौजूद जो ऐनी शाहिदीन थे उनके मुताबिक ही और ख़ासकर अहले खाना के मुताबिक, मकतूल के अहले खाना के मुताबिक वो ये बताते हैं कि ये झगड़ा पिछले 3 रोज़ से चल रहा था और हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन वहाँ पर यह झगड़ा होता था। कोई 2 कारोबारी या नाम नहाद कारोबारी लोग थे जिनका आपस में झगड़ा होता था और वहाँ पे आके खुलेआम मॉडल टाउन लिंक रोड पर फायरिंग का तबादला करते थे। 3 रोज़ से बताया जाता है कि ये वाकया हो रहा था। पुलिस वहाँ पे आती है या नहीं आती है, लेकिन कानून के मुताबिक किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये वाकया सामने आता है कि कोई FIR कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई वहाँ पे अमल में नहीं लाई जाती है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि पुलिस नाजायज़ असलाह या असले की नमाइश पर पाबंदी को और या पाबंदी के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पाती है। चाहे लाइसेंस रखने वाले लोग असलाह जो है वो खुलेआम लेकर फिरते हैं या गैर कानूनी असलाह उसकी हवाई फायरिंग करते हैं, पुलिस इसको रोकने में कामयाब दिखाई नहीं देती है। शहर में बहुत सारी जगहों पे हवाई फायरिंग के वाक़यात होते हैं, कई लोगों को अंधी गोली लगती है और पता भी नहीं चलता कि गोली किस सिमत से आई और किसके चलाने से किसको ज़ख्मी कर गई, ये भी पता नहीं चलता। लेकिन किसी की जब जान जाती है और ख़ासकर इस केस में कि एक आम
घर से ताल्लुक़ रखने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला नौजवान जो अपनी किराए की दुकान पे अपना एक छोटा सा कारोबार चलाता है, वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। ना वो दोनों झगड़ा करने वालों में से किसी के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता है। और बदकिस्मती इस मामले में ये है कि यूनस ज़िंदगी की बाजी हार देता है और वहाँ पर गुजरने वाला एक और बच्चा या नौजवान वो ज़ख्मी भी हो जाता है, लेकिन वो मामूली ज़ख्मी होता है। खुदा का शुक्र है कि उसकी जान बच जाती है। ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं, क्यों बेगुनाह लोग अब सड़कों पर ज़ख्मी भी होते हैं और उनकी ज़िंदगियां भी छीन ली जाती हैं। सूरत हाल ये है कि शहर में जहां क्राइम रेट थोड़ा ऊपर है, वहीं पे अमन अमान की सूरत हाल भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखाई देती है। वैसे हमारे जो पुलिस हुकाम हैं ये दावा करते हैं कि लाहौर में क्राइम रेट वो भी कम किया है, 30% उनकी जानिब से कहा जाता है कि क्राइम रेट में कमी आई है, लेकिन पुलिस का रिकॉर्ड या अगर बाकी मामलात रिकॉर्ड के मुताबिक देखे जाएं तो हमें रिकॉर्ड के मुताबिक क्राइम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और अब इस तरह के वाक़या जिसमें दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग होती है, तो वहाँ पर सरेआम फायरिंग खुले आसमान के नीचे फायरिंग की जाती है, चाहे वो गोली किसी मुखालिफ ग्रुप के शख्स को लग जाए या वहाँ से राह गुजरने वाले राहगीर को लग जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वाक़या इस बात की मिसाल है और इस बात की तायीद करता है कि लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लियाकताबाद पुलिस स्टेशन में इस मुकदमे को दर्ज भी कर लिया जाता है और दोनों ग्रुपों के ऊपर ये FIR मकतूल यूनस के वालिद की मुदय्यत में दर्ज की कर ली जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इस नौजवान का और मकतूल के ख़ानदान का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। प्रोग्राम में वो इस बात का भी इजहार करेंगे कि उनको ये भी गिला है कि वो हुक्मरान जमात के सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं, लेकिन ना कोई MNA ना कोई MPA उनको वहाँ पे दलासा देने के लिए भी उनके घर पे नहीं आया। वो ये चाहते हैं कि उनको सिर्फ इंसाफ मिल जाए, जिसने भी जिसकी गोली से भी उनके बच्चे की, उनके भाई की, उनके बेटे की जान चली गई, उसको गिरफ़्तार करके करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। और सियासी जमात जो हुक्मरान जमात है उससे वो इसलिए वहाँ पे आने का मुतालबा करते हैं कि पुलिस की जानिब से उन्हें कोई यकीन दहानी नहीं कराई जाती कि मुलजिम कब तक गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे, मुलजिम को कैसे गिरफ़्तार किया जाएगा। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि हुक्मरान जमात के नुमाइंदे और ख़ासकर वहाँ के MPA या MNA वहाँ पर आएँ और वो उनके साथ पुलिस स्टेशन जाएँ या पुलिस हुकाम से मिलें और उनके बच्चे के कातलों को गिरफ़्तार करें। जो दो मासूम बच्चे यतीम हो गए, जो खातून बेवा हो गई, उसके लवाकिन सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनको सज़ा मिले। प्रोग्राम में हम ये भी आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने किस तरह का मुतालबा किया है। मैडम CM पंजाब जो हैं उनके आगे उन्होंने मुतालबा रखा कि उन्हें इंसाफ चाहिए। मेरा ख़्याल है कि उनका इंसाफ मांगना बनता भी है, क्योंकि इस केस में किसी किस्म की कोई गलती, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा मकतूल यूनस का नहीं था। वो तो सिर्फ कसूर उसका इतना था कि वो अपने काम काज से फारिग होकर 1 मई की छुट्टी अगले रोज़ थी और वो वहाँ से गुज़र कर अपने घर जा रहा होता है, अपने बच्चों को कोई खाने पीने की चीज़ें दिलवाने के लिए फ़ोन करता है कि मैं घर आ रहा हूँ, बच्चों को कहता है कि तैयार हो जाओ, आपको आज खाना बाहर खिलाना है। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि खाना तो दूर की बात, उसको घर में पहुंचना भी नसीब नहीं होगा। इसमें केस में सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, पुलिस का मौक़िफ भी हमने जाना है, जिसमें पुलिस ने ये कहा है कि हमने FIR दर्ज कर ली है। और ये कौन कहता है, SP ऑपरेशन मॉडल टाउन का कहना है कि फौरी तौर पर मुकदमे का इंदराज कर लिया गया और बहुत जल्द मुलजमान को गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा, इसके लिए खसूसी टीम तशकील भी दे दी गई है, ये पुलिस की जानिब से कहा गया है। लेकिन क्या कोहराम मचता है, क्या उनके ऊपर बीतती है जिनका जवां साला नौजवान अपनी
बीवी और बच्चों, माँ बाप को छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। मकतूल यूनस की माँ और सास इस बारे में क्या कहती है, इस दुख के बारे में क्या बता पाती है और ख़ानदान के दीगर लोग क्या कहते हैं, ये उनकी ज़ुबानी सुनिए। मेरे बच्चे को बिल्कुल नाहक उन लोगों ने उड़ा दिया है। मैं हफीज सेंटर में था, मोबाइलों का काम करता था, दो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, बीवी उसके भी 22-24 साल की है। मेरा बच्चा अभी खुद तो पता नहीं 26-27 साल का तो वो खुद हुआ है, जब बड़ी जवानी में उसने कुछ देखा ही नहीं अभी है, और बिल्कुल ना कोई अच्छी ना बुरी, पूरे महल्ले से आप गवाही ले लें कि कैसे बच्चे हैं मेरे। मैं तो अभी तक उसको भूल ही नहीं पा रही, तो मुझे तो कुछ, मैं तो पागल हो गई हूँ। दरख्वास्त करती हूँ ना कि मेरे बच्चे को जिसने मारा है उसको कैफे किरदार तक पहुँचाएँ, और मैं यही चाहती हूँ ताकि मेरे बच्चे के साथ तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अगलों के लिए सेफ करें काम, उनसे गए मदद करें, मेरी मरियम नवाब से भी गए कि मेरी हेल्प करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बहू है, अभी तो उसकी एज ही 24-25 साल की तो वो ही है, सारी ज़िंदगी उसकी आगे पड़ी हुई है, वो किसके सहारे पालेगी। भाई शादीशुदा हैं, हम लोग ज़हीफ हैं, हम लोग उन्होंने पालना है कि उन्हें हमने पाला, जो पालने वाले थे आपने उनको छीन लिया हैं, उनकी सेल्फियाँ बनाते रहे बजाय उनको ले जाने के हॉस्पिटल, जिनके आवाम जो जा रही थी वो अपने मोबाइलों पर बना, यानी कि जो तड़प रहा है पहले उसे लेकर जाना चाहिए था कि वीडियो बनानी चाहिए थी, कोई इंसानियत नहीं रह गई, कोई इंसानियत सब ख़त्म हो गई है। ये मेरा था, ये गलत तरीका है ना बेटा, आप भी मेरे बेटे हो हैं, ले जाते टाइम पर तो वो बच जाता, कोई उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, कोई मेरे बच्चे को उठा के फौरन, फिर बाद में लोगों को भी रोका, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। बाद में पुलिस के डाले में उसका दोस्त है, उसने अपनी मदद आपके तहत सब कुछ किया, कोई किसी ने कोई हेल्प नहीं की, पुलिस की भी आगे हाथ जोड़े तो उसके बाद वो लेकर गई। अस्पताल में मैं नहीं थी, वो उनके वालिद थे, उनके भाई थे, उनके ताया थे, वो ही जानते, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे तो बताया ही नहीं इन लोगों ने कि उसके साथ हुआ क्या है। इतनी तकलीफ मेरे बच्चों को दी है ना कि मैं सारी ज़िंदगी में उसकी मदावा नहीं कर सकती, मेरे बच्चे को मुझे लूट लिया, मुझे लूट लिया, मेरे घर को तोजक बना दिया, मातम गदा बना दिया, मैं किससे फरियाद करूँ, मुझे बताए ना कोई इंसाफ है। बहुत ही गलत हुआ है, अगर उन्हें इन्ना इंसाफ साड़ी बच्ची ने मिलना चाहिए है कि जिन्ना हद ही कोई नहीं, कि छोटे छोटे बच्चे पर ही जवानी है, 24-25 साल की उम्र है सारी, देखो माँ बाप भी बूढ़ा है, सास सोरा भी बूढ़ा है, भाई भी शादीशुदा है, जोर भी शादीशुदा है, वो कैसे जिंदगी गुजारेगी। सारी बेटी ने इंसाफ मिलना चाहिए है, कि सिर ते पर ही जवानी है, ऐसे जहाँ फायदा तब है कि आप इंसाफ दिलवाएं, उनका कोई इंसाफ करना चाहिए। ये कोई बात है, मेरे को दामाद इतने हो दे हुए भी नहीं चढ़े हुए हैं, दूसरा मजदूर है, बेटे मेरे की दुकानें टूट गई, वो बेचारा डेढ़ सड़क पे लगा रहा है, ना हमारा कोई आगे ना हमारा, मियाँ मेरा हार्ट का ऑपरेशन है, क्या करेगा बेटियाँ, हम देखेगा कि अपना वो सोचेगा, ये कोई अच्छी बात नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, इंसाफ ही नहीं हुआ, बच्चा हमारा आ गया, बच्ची हमारी रोई जा रही है रात दिन, बच्चों का कौन वाली बात, कोई नहीं आया, आप आए आज हमारी ये लेने, वो नहीं, कोई हमारे से क्यों नहीं आया, ये कोई अच्छी बात है। इधर तो कुत्ता पड़ा है, तो फिर उसकी भी, ये तो इंसान का बच्चा था, ये कोई ऐसी नहीं है, हमारे साथ बहुत जुलम हुआ है, हमारे बच्चे तो दिन रात रो रहे हैं, कोई गम इतना तो आपको भी पता कि ऐसा कितना ये बेगुनाही बेचारा मारा गया है। वो दो ग्रुपा की आपस में कोई हो रही, उन्होंने पता है लगा कि दो दिन तो मुसलसल उन्होंने आपस में क्रॉस फायरिंग हो रही है, तो इंतजामिया इतनी बेहस है कि दो दिन तो उन्होंने रोक भी नहीं सके, और दूसरी बेहस जी इंतहा है कि किसी ने हॉस्पिटल भी नहीं पहुँचाया, तो गरीब आदमी ने इन्होंने कोई रिलीफ मिले तो सी एम साहबान पैगाम है, सी एम साहब हर जगह जाती है, इतने ही विजिट कर ले, बड़ी वाला इलाका है, पूरे इलाके में पता है, ऐसा हादसे लग गया, सी एम साहब अगर आ गए विजिट कर लेते ना तो गरीब नू रिलीफ मिल जाएगा।
छोटे छोटे बच्चे ने उसके अगर कोई थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए तो अच्छी गल है और थोड़ी कवरेज का भी फायदा हो जाएगा अगर इन्हें कोई रिलीफ मिल जाएगा और ये तो अपने काम तो आ रहे हैं तो बेचारे पता भी नहीं क्या क्रॉस वायरिंग तीन दिन सुनने चाहिए आ रहा सब तो कि वो दो तीन दिन तो पहले क्रॉस वायरिंग हो रही उन्होंने जो दरार तो सिर्फ यूनियनबाजी आपस में कर रहे वो इरादे से आ गया ये तो अपने काम तो बेचारे काम न काम तो घर तो काम जिन्हों मर्जी है तो पूछ सकते विजिट करके सी एम साहब ने स्पैशली पैगाम है कि वो इतने आके देखे बड़ा व्डा इलाका टाउनशिप पूरे लाहौर का मशहूर इलाका है कि अगर इन्होंने कोई रिलीफ मिल जाए तो फिर तो है कोई इंसाफ मिल जाए इन्होंने दोबारा नैक्सट टाइम किसी का जवान बच्चा ना जाए ये पुपो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं कौन सा दो भाइयों का घर उजरा है भाई ने बेटी दो दी हुई हैं एक ने बेटा दिया जवान पुलिस वाले देखते रहे वीडियो भी बनाते रहे जी हमारे बच्चे का कोई नहीं अपने दूसरे बच्चों के खुद बच्चों वाले हैं क्या कहो तैयारी मजदूरी करने हैं अब मैंने साफ था हम किसी ने कुछ नहीं मांगते अब मैंने साफ दें बस मैं बच्चों के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे पैगाम दो जी कि वो विजिट करें इलाके का जरूरी है विजिट करना क्योंकि खौफ और आस फैल गया पूरे इलाके च के गलत होया है पूरे इलाके च पूरे इलाके बैंक बेटा आप जो कहेंगे आपके पापा से हम लगे कहना हमें पुप्पो कुछ नहीं चाहिए हमें हमारा पापा ला दे हाय मैं बात कही वहाँ पे क्या करती सी एम साहब से गुजारिश है कि वो हर जगह विजिट कर रही हैं ठीक है हम भी कोई लैंडलॉर्ड नहीं है एक गरीब घराने से तलक रखते हैं वो हर गरीब के घर जा रही है तो उनको चाहिए कि आगे कोई इनका जो है ना सभे भाव करें इसका मतलब नहीं है ये नहीं है कि वो जो अमीर है या जो उनके तलक वाला उनके घर चली जाएं और जो आम शहरी है उनके लिए नहीं हालांकि एमएनए उनका यहाँ का अतात आडर साहब है खुद एमएनए यहाँ के उनको चाहिए आए इलाके में अपने आगे देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और ये किसने किया है क्या क्या हुआ है कि पूछे आगे उनके सर पर हौसला अफजाई करें उनका अपना दस्ते शफात रखें तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए दुआएं निकलेगी कोई ऐसे नहीं करते उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए हमें इंसाफ मिले बस हमारी उनसे यही अपील है वज़ीर-ए-आला पंजाब से कि हमारा ये जो है ना इसका हिसाब किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए वाकई है कि ये बच्चा बहुत शरीफ था अफीस सेंटर में काम करता था वो 25 साल से दुकान बंद करके वापस आ रहा था वहाँ दो ग्रुपों की आपस में लड़ाई हो रही थी और ये 3-4 दिन से चल रहा था मेन शहर है रोड है और साथ ही शहबाज शरीफ का घर है और वहाँ पुलिस 24 घंटे रहती है गश्त करती रहती है अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की बच्चे को वहाँ गोली लगी है पड़ा रहा है किसी ने नहीं उठाया उसे अगर उठाया पुलिस वालों ने तो उसे डाले के अंदर लेके जा रहे हैं खुद सीटों पर बैठे हुए हैं 1x2 वाले नहीं आए 3 मिनट की मसावत पे जिना हॉस्पिटल है अगर उसे टाइम से वहाँ पहुँचा देते हो सकता है अल्लाह ताला उसकी जान बख्श देता उसकी जान बच जाती मगर हमारी पुलिस जो है ना किसी काम की नहीं है वहाँ जो कब्जा कुप चल रहा है जो ये टैक्स ले रहे हैं भत्ता फोर है उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है उन आपस में लड़ रहे हैं वो कि मैंने लेना वो कह रहा है मैंने लेना है अपने आमने स्टेट फायरिंग हो रही है कोई पूछने वाला नहीं है अब ये बच्चा गया कल कोई और भी जा सकता है वहाँ पर और वो रोड ऐसा है कि 24 घंटे चलता रहता है मगर अल्लाह की कुदरत है कि इंतजाम है कि उस बच्चे की आई हुई थी उसको वकील में गोली लगी और हर पार हो गई है और आधा घंटा वही पड़ा रहा तड़फता रहा कोई ब्लीडिंग नहीं निकली 1x2 टाइम पर आ जाती उसे हॉस्पिटल पहुँचाती हम लोग इसलिए नहीं उसे उठाते कि पुलिस वाले हमें पकड़ लेती है इतना खौफ है हमारे बाल बच्चे हैं हम कौन चक्कर लगाएगा थाने के तो ये जो कत्ल हुआ है ये नजायज़ हुआ है ये बच्चा जो है ना बहुत शरीफ आदमी था ये जो मामला हालात पैदा कर दिए गए हैं इधर कोई किसी को मार रहा है कोई किसी को मार रहा है पूछने वाला कोई नहीं है फर्स्ट एड जो 1x2 के नाम पर डिपार्टमेंट बना था वो डिपार्टमेंट भी नील हो चुका है वो इसकी मिसाल ये है कि उस हमारे भाई को गोली लगी आधा घंटा वो सड़क पर तड़पता रहा वो कहता रहा कि मुझे कोई हॉस्पिटल ले जाए 1x2 को कॉल की गई वो आधे घंटे तक आए नहीं पुलिस का नाका उधर वहाँ पे पुलिस दिहाड़ी लगाने तो खड़ी हो जाती है उधर नाका लगा रहता है 24 घंटे उस वक़्त भी नाका लगा हुआ था और पुलिस वालों ने इतनी जुरत नहीं की कि पुलिस ही अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाए
आधे घंटे बाद उसको उठाया गया, वो भी लोगों के बोलने पे, बहस करने पे उसको उठाया गया और जानवरों की तरह उसको डाले में डाला गया है, जैसे वो कोई इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है। तो जिसकी वजह देर से पहुंचने की वजह से वो जख्मों की ताब ना लाता हुआ वो फौत हो गया पहुँचते ही। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब जो दावा करती हैं कि रूल ऑफ लॉ है, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि अगर आपका ये जो दावा अगर लफ्जी है तब तो ठीक है, हम मान लेते हैं, अगर वाकई में अगर वो आवाम की खिदमत करने के लिए आई हुई हैं और इंसाफ देने के लिए आई हैं तो इस बात का नोटिस लें, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के घर के पास ही ये वाकया आया है। अगर उनके घर के पास ऐसे वाकयात हो सकते हैं तो फिर आम बंदा कैसे सिक्योर आप कर सकते हैं उसको। तो मेरी उनसे गुजारिश है, आलाकारों से भी और पुलिस डिपार्टमेंट से भी खुसूसन, वो अभी तक जो दो बंदे इन्होंने पहले जो पकड़े हैं हमें उनके बारे कोई नहीं बताया गया, कि वो आज पता लगा कि जिनकी जिस लड़के ने फायर किया था उसकी वालदा को लाए थे, उसकी वालदा को भी छोड़ दिया गया है और पुलिस के पास हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जा रहे हैं या पूछने के लिए जा रहे हैं कि जी हमारे बच्चे के कातलों का क्या किया है, तो वो बताने से कासर हैं, उल्टा वो धमका रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, जब आपकी ज़रूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि शहर लाहौर के अमन व अमान को किसकी नज़र लग गई है। राह चलते बेगुनाह नौजवान को एक ऐसी गोली लगती है जिसका वो कसूरवार भी नहीं था। क्यों ये लाहौर के अमन की सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़राब हो जाती है, इसके बारे में कौन जवाब देगा? ये अहले खाना जो अपील करते हैं हुक्मरान जमात से और पुलिस से कि किसी तरह उन्हें सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उन्हें इंसाफ मिल पाता है या नहीं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।